सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिलेटेड टू गॉड। इसकी हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस पूरे फिगर्स के साथ इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, तो बहुत मजा आएगा। पूरे वीडियो को देखना यार, क्योंकि अगर आपको बोर्ड देना है तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, प्लस हर वर्ड को आपको एकदम अंडरस्टैंड करके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका विश्वास है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। बट वॉट शुड वी विल पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर दिखाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेजेस, इसी प्रश्न का उत्तर ये जो स्टोरी है हमें बहुत नाजुकता सी देगी, मतलब बहुत इमोशनल तरीके से हमें ये पता चलेगा कि हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपका ये यहाँ पर सब एक्टिविटी है, आप देख लेना कि मनी ऑर्डर कैसे भेजते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू बता दूं कि पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या। एक लैंचो नाम का फार्मर है, उसने खेती की हुई है और उसका अनाज बिल्कुल एकदम पक गया है। उसे इस समय उसके खेतों को केवल हल्की फुल्की बारिश की जरूरत थी। बारिश तो होती है लेकिन साथ में पड़ते हैं ओले, बर्फ के गोले गिरने लगते हैं जिससे इसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब लेंचो दुखी हो जाता है और उसने गॉड को पत्र लिखा, सीधा लेटर लिखा और उनसे 100 पैसों उसकी डिमांड की है। अब देखो इस पूरे चैप्टर में क्या लेंचो को 100 पैसा भगवान भिजवाते हैं, ये क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द हाउस द वनली इन वन इन द इंटायर वैली, जो लेंचो का घर था वो पूरी घाटी में, वैली का मतलब होता है घाटी, जो पहाड़ों का इलाका होता है ना, वहाँ पर अकेला बसा हुआ था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी थी उसी के ऊपर लेंचो का घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, यहां से लेंचो के घर से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी अगर लेंचो के घर से देखे ना तो उसे नदी दिखती थी और क्या दिखता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी फसल थी जो पक गई थी वो इसके घर से दिखती थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि पूरे सफेद सफेद कलर के फूलों से डॉटेड था, भरा हुआ था। दैट ऑल प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और फूलों को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस साल उत्पाद अच्छा होगा। द वनली थिंग, केवल एक ही चीज उनके खेतों को, द अर्थ नीडेड वॉस अ डाउन पोअर, इस समय उसके खेतों को केवल एक ही चीज चाहिए थी और वो क्या था, कम से कम मूसलाधार बारिश हो जाए या कुछ बारिश की बूंदें पड़ जाएं जिससे उनके फसल को फायदा मिल सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से जो लेंचो था ना, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत बारीकी से जानता था, इंटीमेटली जानता था, हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई, केवल क्या कर रहा था लेंचो, सुबह से बादलों की तरफ देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट दिशा के जो बादल थे, नॉर्थ ईस्ट के जो बादल थे उन्हीं की तरफ वो देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था अगर पानी आएगा तो इधर ही इसी साइड से आएगा। आगे देखते हैं, सेकंड पैरा स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, विमेन, अब यहाँ विमेन किसके लिए यूज़ हुआ है, वाइफ के लिए, लेंचो की पत्नी थी और लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब हमें बारिश मिलने वाली है, बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उनकी पत्नी थी, जो लेंचो की पत्नी थी ना, जो सपर बना रही थी, रात का खाना, डिनर बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, कहा कि यस गॉड विलिंग, हाँ बारिश तो होगी लेकिन अगर केवल भगवान ने चाहा तभी होगी। द ओल्डर बॉयस, जो लेंचो के बड़े लड़के थे ना, वो क्या कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और वहीं जो लेंचो के छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लेंचो के घर के आसपास वो सब खेल रहे थे। अनटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और तभी लेंचो की पत्नी ने सबको घर में बुला लिया, क्या कहा, कहा कि कम फॉर डिनर, आओ डिनर कर लो। अब जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, जब ये लोग अपना खाना खा रहे होते हैं, जस्ट एस, तभी क्या होता है, तभी देखते हैं हम आगे, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जस्ट
एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, आसमान से बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लगी, बारिश होने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है आना, पास आना, तो नॉर्थ ईस्ट दिशाओं से देख सकता था कोई भी कि बड़े बड़े बादल आ रहे थे लेंचो की तरफ, वहां पर भी बारिश करने वाले थे। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश, पूरा हवा शुद्ध हो चुका था, एंड स्वीट, और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, जब बारिश की बूंदे मिट्टी में पड़ रही थी ना, तो एकदम स्वीट सी स्मेल आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो लेंचो था जो अब तक अपने घर के अंदर था ना, वो बाहर चला गया फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, ताकि वो मजा ले सके बारिश की बूंदों का, अपने शरीर पे महसूस कर सके। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो बाहर से अंदर अपने घर में आता है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये न्यू क्वाइंस हैं, ये चांदी, ये क्या है, ये सिक्के हैं, क्वाइंस हैं ये, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। अब वो कहता है जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 cent के बराबर थी, और जो छोटी छोटी बूंदें थी वो 5 cent के बराबर थी। अब सेंट क्या होता है, सेंट मैक्सिको का करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ 10 rupees चलता है, 5 rupees चलता है, वैसे वहां पर 10 cent और 5 cent चलता है। With a satisfied expression, और लेंचो पूरे संतुष्ट भाव से, he regarded the field, उसने अपने खेतों को देखा, with its flowers, जिसमें क्या फूल लगे हुए थे उनके पौधों में, ये लेंचो का जो पौधा था, जो उनकी फसल थी, उस पे सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए थे, draped in a curtain, अब उसकी जो पूरी फसल थी वो कवर हो गई थी, ढक गई थी बारिश से। ठीक है, बारिश से उसकी फसल दिखाई नहीं दे रही थी, but suddenly, लेकिन अचानक a strong wind began to blow, बहुत ही तेज से हवा चलने लगता है, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश की बूंदों के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, मतलब बड़े बड़े हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स का मतलब क्या होता है, अब देखो जो बर्फ के गोले होते हैं ना, जो आसमान से बर्फ पड़ने लगती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेलस्टोन्स कहते हैं, गॉट इट, बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे थे, दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, लेंचो के बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं, पापा जब बड़ी बूंदे 10 paise के बराबर, 10 cent के बराबर, और छोटी बूंदे 5 cent के बराबर, तो ये जो बर्फ पड़ रहे हैं ना, वो चांदी के सिक्कों के बराबर होंगे, है ना पापा। द बॉयज, जो उनके बच्चे थे, लेंचो के बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो सब बाहर आ गए बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो जमीन पे फ्रोजन पर्ल्स, मतलब जो जमा हुआ बर्फ था, उसको उठाने लगे, कलेक्ट करने लगे। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो अब जब देख रहा है कि ओले पड़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अब बहुत बुरा हो रहा है खेतों के साथ, अब हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये किसने कहा, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, लेंचो कहता है मैं आशा करता हूँ ये जो ओले पड़ रहे हैं वो जल्दी से चले जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओले पड़ते ही रहे फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन, ये ओले पड़ते रहे घरों पर, गार्डन में, पहाड़ियों के साइड, और उसकी खेतों पर भी, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में मूसलाधार बारिश हुई, बहुत भारी बारिश हो गई, उसके साथ साथ ओले पड़ने लगे थे। ठीक है, आगे क्या होता है, द फील्ड वॉज वाइट If covered with salt, जो उसका, जो लेंचो का पूरा फसल था, वो बर्फबारी से पूरा सफ़ेद हो गया था, किस कलर का हो गया था, वाइट कलर का हो गया था, जैसे कि इन पर नमक छिड़का गया हो। Not a leaf remained on the trees, मतलब पूरे जो लेंचो का जो फसल था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, एक भी पौधों पर एक भी पत्ते नहीं थे, the corn was totally destroyed, जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, लेंचो के जो फसल पे फूल उगे हुए थे ना, वे भी झड़ गए थे पौधों से, अब लेंचो soul was filled with sadness, और लेंचो पूरी तरीके से उदास हो गया जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो। When the storm had passed, और जैसे ही तूफान रुकता है,
है, ही स्टूड इन द मिडिल, वो अपने खेतों के एकदम बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बेटों से, सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है, अब देखो क्या कहता है, इससे जानने से पहले ये जान लो कि प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या होता है। अब इंसेक्ट्स, कीड़ों का कुछ झुंड होता है जो कि केवल फसलों पे अटैक करते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं, उसी को कहते हैं लोकस्ट, इन्हीं इंसेक्ट्स को कहते हैं लोकस्ट। तो यहाँ पर कहा गया है, अब लेंचो अपने बेटों से कह रहा है कि जो प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट होते हैं ना, वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देते हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर उन्होंने अटैक किया होता तो इससे ज़्यादा फसल तो वो लोग छोड़ देते, लेकिन इस बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे हम। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो पूरी रात एकदम दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो बहुत उदास था, वो सोच रहा था कि हमारे सारा मेहनत बेकार हो गया है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस बार भूखे मरेंगे, लेंचो अपने बच्चों से कहता है। आगे यहाँ चैप्टर का कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ का आशा करता है, तो लेंचो होप फॉर गुड रेन, अच्छी बारिश हो जाए, यही तो वो आशा कर रहा था ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस, लेंचो ने ये क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट और 5 सेंट के बराबर हैं, क्यों कहा ऐसा? तो हमें पता है लेंचो को जो फसल था वो हर साल लेंचो को पैसे देता था, जब फसल अच्छी होती थी लेंचो उसे बेचता था और उसे पैसे मिलते थे, और इसी के लिए जब बारिश हुआ तो उसका उत्पाद बढ़ेगा, इसलिए उसने कहा कि अब ये मेरे लिए कैसे हैं, न्यू क्वाइंस की तरह हैं, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई, तो बारिश हल्की हल्की हवा, मतलब कि आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड हेलस्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल, मतलब कि ओले पड़ने लगे थे। आगे देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को क्या हो गया था, जब बर्फबारी हो रही थी तो लेंचो का जो पूरा फसल था वो बर्बाद हो गया था। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेलस्टोन स्टॉप्ड, और जैसे बर्फबारी बंद हुई तो लेंचो कैसा फील कर रहा था, बहुत सैड फील कर रहा था, क्योंकि उसका जो पूरा फसल था वो खराब हो चुका था, नष्ट हो चुका था, समझ गए ना। चलिए लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन सेकंड कंप्रेहेंशन का हम स्टार्ट करते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, और उस लेंचो के घर में, जो सॉलिटरी हाउस का मतलब जो पूरी घाटी में अकेला घर केवल लेंचो का था ना, तो वही कहा जा रहा है कि लेंचो में, लेंचो के घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके मन में, उनके दिलों में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब कि भगवान से कुछ मदद मिलेगा उन्हें, भगवान उन्हें भूखा नहीं सोने देंगे। अब लेंचो अपने घर वालों को दिलासा देता है, कहता है कि उदास मत हो, तुम्हें लग रहा है कि बहुत लॉस हो गया, बहुत नुकसान हो गया, लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। और तभी सारे घर के लोगों ने कहा कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरता है, भगवान सबकी हेल्प करता है। आगे देखते हैं, ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात लेंचो सोया नहीं और केवल ये भगवान से मदद कैसे मांगे इस बारे में वो सोच रहा था। हूज आइस, क्योंकि लेंचो का मानना था कि उनकी जो भगवान की आंखें होती है ना, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के कॉन्साइंस में क्या चल रहा है, ये सब कुछ भगवान की आंखें देख सकती थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करता था, कहाँ पर, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में वो बहुत मेहनत करता था, बैल की तरह मेहनत करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन किसान होने के बावजूद वो जानता था कि वो पत्र
कैसे लिखे भगवान को? द फॉलोइंग संडे, संडे आया और जैसे ही दोपहर हुआ उसने पत्र लिखना शुरू किया, किसको? भगवान को। हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उस पत्र को वो खुद शहर ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे क्या कर देता? मेल कर देता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये पत्र किसके नाम था? भगवान के नाम लेंचो ने पत्र लिखा था। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। सेकेंड पार्ट हम कल अपलोड करते हैं, तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।